गर्व तो बहुत माण हुंदा है अपने बच्चों से भी तो अपने स्टेट के उत्ते भी तो और बच्चों के पेरेंट्स के उत्ते भी। ये नैशनल चैंपियनशिप हैदराबाद च हुई सी, ऑल इंडिया लैवल ते सी, ऑल ओवर स्टेट्स तो जिमें कि इवन कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक बच्चे आए हुए सी। इन्हां दे प्राइजेस डिफरेंट कैटेगरीज उन्हां दे एज दे अकॉर्डिंगली उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई सी, क्योंकि मैं आप एक कथक गुरु हाँ तो मेरे स्टूडेंट्स भी कथक दे विच ही अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो कथक दे विच छे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, छे दे विचों पांच का गोल्ड मैडल आया, एक दस सैकेंड प्राइज़ है, तो पांच बच्चों का फर्स्ट आया। मेरा नाम इनायत दुआ है, मैंने कथक में पार्टिसिपेट किया था सीनियर कैटेगरी और उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया। वी वर डैम श्योर वी हैव टू प्रैक्टिस हार्ड एंड वी हैव टू विन इट एनी हाउ, वी हैव टू प्रूव मैम कि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया हम पे, सो वी हैव टू प्रूव हर कि हम जाएंगे और जीत के जाएंगे। सत श्री अकाल, तुसीं देख लुधियाना टाइम्स, मैं हाँ प्रबलीन कौर। एक बार फिर तो असं पहुँचे हाँ संगीता स्टूडियो ऑफ डांस। अगर देखा जाए तो इन्हों की पहला भी असी वीडियो की इंटरव्यू की जिस कि बहुत सारिया तैयारियां दिखाई गई। हूँ ये जोड़ा है नैशनल लैवल डांस परफॉर्मेंसिस बहुत सारे प्राइजेज, मैं कैमरामैन को कहूँगी एक बार जरूर दिखाओ, ये तो ट्रॉफिया की कह लो ढेर लग गया, इतना लगता किसी शॉप पर आए हैं तो बस डिजाइन की सिलेक्शन है। मैम की कहना चाहते हो, इन्ने सारे प्राइजेज अकैडमी के स्टूडेंट्स ने हासिल किए, बहुत व्डे मुकाम तो जा। बहुत गर्व तो बहुत माण हुंदा है अपने बच्चों से भी तो अपने स्टेट के उत्ते भी तो और बच्चों के पेरेंट्स के उत्ते भी, जिन्होंने इन्ना मतलब रिगार्ड करके तो अपने कॉन्फिडेंस नाल अपने बच्चों मेरे नाल भेजा हैगा नैशनल चैंपियनशिप वास्ते। कितने हुई सी नैशनल चैंपियनशिप? नैशनल चैंपियनशिप हैदराबाद च हुई सी, ऑल इंडिया लैवल ते सी, ऑल ओवर स्टेट्स तो जिमें कि इवन कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक बच्चे आए हुए सी, ते डिफरेंट कैटेगरी जिमें कथक भरतनाट्यम ओडिसी मणिपुरी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये ज़्यादातर ये क्लासिकल डांसेस वास्ते है जी, जो कॉन्टेस्ट होंगे उत्थे नैशनल फेस्टिवल। कश्मीर तो कन्याकुमारी के लुधियाने का नाम बता दिता, और तुसी के भी स्टूडेंट्स जो जित के कुछ हासिल करके आते तो टीचर नू बहुत मान महसूस होंदा। केड़े केड़े पार्टिसिपेशन दे विच इन्हां दे प्राइजेस? इन्हां दे प्राइजेस डिफरेंट कैटेगरीज उन्होंने एज के अकॉर्डिंगली उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई सी, क्योंकि मैं आप एक कथक गुरु हाँ तो मेरे स्टूडेंट्स भी कथक दे विच ही अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो कथक दे विच छे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, छे दे विचों पांच का गोल्ड मैडल आया, एक दस सैकेंड प्राइज ते पांच बच्चों का फर्स्ट आया। तो सैमी क्लासीकल दो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, दोनों का ही फर्स्ट आया। तो अदर कैटेगरीज जिमें कि हिप हॉप एंड बॉलीवुड उन्होंने भी बच्चों का फर्स्ट से सैकेंड प्राइज़ आया। कितना मान महसूस होता, पेरेंट्स कि रिएक्शन जो तो बच्चा लगे भी बच्चे गए और कुछ प्राइज़ जो लैके? हाँ जी, क्योंकि मेरे नाल ज़्यादातर बच्चे माइनर जाते हैं तो उन्होंने पेरेंट्स भी नाल जाते हैं, तो पेरेंट्स जाके मतलब जो इधर सीगे पंजाब दे विच तां उन्होंने नहीं सी इन्ना पता कि एड्डी वड्डी चैंपियनशिप है, तो एड्डा वड्डा नैशनल फेस्टिवल हैगा तो कॉम्पीटिशन हैगा। पर उधर जाके उन्होंने देखा कि उन्होंने बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सो मच सो कि मतलब साड़ी कुछ कोरियोग्राफीज नू बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिलिया, मैनू भी बेस्ट गुरु ते कोरियोग्राफी का अवार्ड मिलिया। इन द एंड दे इनवाइटेड मी एज अ चीफ गेस्ट ऑल्सो। गुरु ने फिर अपनी कला उत्थे दिखाई दी? हाँ जी, क्योंकि 32 साल तो मैं मतलब कथक नू पंजाब दे विच प्रमोट कर रही है, ना केवल कथक नू बाकी अदर डांस ते परफॉर्मिंग आर्ट्स नू एज एन एजुकेशन। ते असी इत्थे अपने संगीता स्टूडियो परफॉर्मिंग आर्ट्स ये प्रमोट करीदा है कि डांस एक हॉबी तो हो ही सकती है, ते इस तो इलावा तुसी इहदे विच अपना करियर भी बना सकते हो। बच्चे मेरे को इंडियन क्लासिकल डांस दे विच बी ए एम ए ते होर भी बहुत सारी डिग्री डिप्लोमाज इंटरनेशनल इतने करते हैं। तो ये साढ़े नाल स्टूडेंट्स मौजूद ने जिन्होंने कि इतों की सिक्ख्या और नैशनल लैवल के उत्ते बहुत सारे प्राइज जीत के आए, कि प्राइज मिले अपना नाम नाल? मेरा नाम आशिका चोपड़ा है, मुझे दोनों सेकेंड मिले हैं, मैंने कथक एंड बॉलीवुड में पार्ट लिया था, दोनों में सेकेंड आया था। मेरा नाम इनायत दुआ है, मैंने कथक में पार्टिसिपेट किया था सीनियर कैटेगरी और उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया।
मेरा नाम है नायत गुप्ता है और मैंने कथक और हिप हॉप में पार्टिसिपेट किया था माइनर कैटेगरी में। मेरा कथक में फर्स्ट प्राइज आया और हिप हॉप में सेकंड प्राइज आया। कितनी प्रैक्टिस की थी? वी प्रैक्टिस फॉर मोर देन 1-2 मंथ्स। 2 मंथ्स और पूरा पूरा था कि हम प्राइज कुछ कुछ ना लेते हैं। वी वर डैम श्योर वी हैव टू प्रैक्टिस हार्ड एंड वी हैव टू विन इट एनी हाउ। वी हैव टू प्रूव मैम कि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया हम पे, सो वी हैव टू प्रूव कि हम जाएंगे और जीत के जाएंगे। नेशनल लेवल तक जाना अगर देखा जाए कश्मीर टू कन्याकुमारी में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस अकेडमी से गए हैं और प्राइजेस भी जीत के आए हो। कश्मीर टू कन्याकुमारी में लुधियाना का नाम सबसे गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा, कैसा फील कर रहे? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतने कैपेबल हो पाए मैम की वजह से कि हम इतने हाई लेवल पे पहुंच गए। जी जी। क्या नेम क्या आपका? ध्वनि बुद्धि राजा। आपके कौन से प्राइज आए, कौन सी कैटेगरी? मैंने कथक एंड हिप हॉप में पार्टिसिपेट किया था जूनियर कैटेगरी एंड मेरे कथक और हिप हॉप दोनों में फर्स्ट आए थे। फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज सारे दे फर्स्ट सेकंड दी लीग दे विच ही जेड़े प्राइजेस मिले ने, तो बहुत सोहना परफॉर्म जेड़ा इन्हां दे वल्लों। हैदराबाद दे विच एक इवेंट होया सी नैशनल लैवल ते जिन्हां दे विच इन्हां ने हिस्सा भी लिता और जित के भी आए हैं। तो हुण तुसीं देख लो भी लुधियाने दा नाम किवें रोशन होया। कश्मीर टू कन्याकुमारी दे विच जिन्ने भी पार्टिसिपेंट सी इन्हां दा जेड़ा नाम सारा गोल्डन वर्ड्स दे विच लिखा गया। होर भी तुहाडे नाल वीडियोज़ जरूर शेयर करांगे, बदेरी वीडियोज़ ली तुसीं देखदे रहो लुधियाना टाइम्स। कैमरामैन बलविंदर दे नाल मैं प्रबलीन कौर।